नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। क्या आपकी हड्डियों या जोड़ों में दर्द है तो निशुल्क जांच शिविर का लाभ उठाएं। फिजियो बोन डेंसिटी टेस्ट भी फ्री, डॉक्टर गगन कंसल, ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत। शिविर 8 मई रविवार ट्यूलिप अस्पताल सोनीपत में लगेगा। माँ का गुणगान कर स्कूलों में धूमधाम से मनाया मदर्स डे। बिरला इंटरनेशनल स्कूल मदर्स डे हर्षोल्लास से मनाया विश्व मातृ दिवस। इसके उपलक्ष्य में विद्यालय में कई कार्यक्रम हुए। मुख्य अतिथि प्रसिद्ध 95 वर्षीय मास्टर साहब सिंह दलाल, खंड शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार, वीर एजुकेशन एंड चैरिटेबल सोसाइटी की उपाध्यक्ष निर्मला देवी, सेवानिवृत्त अध्यापिका मोती देवी ने शिरकत की। विद्यालय के चेयरमैन व प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी कुलदीप सिंह दहिया, कार्यकारी अधिकारी सिकंदर दहिया व निदेशक महोदय प्रवीण डागर ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। अध्यापक साहब सिंह दलाल ने प्रथम शिक्षक पुरस्कार 1967 में अपने नाम किया था। 95 वर्ष की उम्र में भी दिल्ली में आयोजित खेल मास्टर प्रतियोगिता 2022 में 25 सेकंड में दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। उनका संपूर्ण जीवन एक मेधावी छात्र के रूप में तथा एक दृढ़ निश्चयी खिलाड़ी के रूप में हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस मौके पर छात्रों ने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी, जिनमें नृत्य प्रस्तुति, स्वागत गीत व विद्यार्थी आर्यन की योगा प्रस्तुति कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण का केंद्र थे। खरगोदा की कल्पना चावला बिरला स्कूल, गुरुकुल मटिंडू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, AP गर्ग पब्लिक स्कूल के साथ साथ रामचौक में स्थित स्वतंत्र मिडिल स्कूल में मदर्स डे पर छात्रों ने माँ के अमूल्य योगदान पर आधारित विभिन्न प्रस्तुतियां दी। किसी छात्र ने माँ के पवित्र रिश्ते एवं माँ को गुरु के रूप में बताते हुए वर्णन किया तो किसी ने गीत, नृत्य एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। विद्यार्थियों ने अपनी कविता व गीत के माध्यम से माँ के गुणों का बखान किया। कार्यक्रम में पहले से तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों ने अपनी माताओं के साथ सेल्फी लेकर अपना प्यार जताया। कार्यक्रम का संचालन अध्यापिका मोनिका द्वारा किया गया। प्राचार्य उषा वत्स ने इस अवसर पर कहा कि परमात्मा ने माँ के अंदर वह गुण विद्यमान किए हैं जिसमें मातृत्व की कमी नहीं है। संसार में माँ ही बच्चों के लिए प्रथम गुरु होती है। भगवान भी माँ के रूप में इस धरा पर निवास करते हैं। पूरी दुनिया में मई माह के दूसरे रविवार को मातृ दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि मातृ दिवस ग्राफ्टन वेस्ट वर्जीनिया में एना जर्विस ने सभी माताओं और उनके मातृत्व को सम्मान देने के लिए शुरुआत की थी। स्कूल निदेशक धर्मराज खत्री ने कहा, हम सभी के ऊपर माँ का किया हुआ उपकार कभी भुलाया नहीं जा सकता। द स्टैनफोर्ड विद्यालय में मदर्स डे पर हुआ समारोह। द स्टैनफोर्ड विद्यालय थानाखुर्द में शानदार समारोह हुआ। इस समारोह में छात्रों की माताओं को सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया था। सभी माताओं ने इस कार्यक्रम की खेल गतिविधियों में सहभागिता भी दिखाई। विद्यालय के छात्रों ने सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शानदार प्रदर्शन कर माँ का गुणगान किया। विद्यालय के अध्यक्ष उत्सव दहिया व विद्यालय निर्देशिका पूजा ने इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही बताया कि समाज सिर्फ पुरुष वर्ग से नहीं अपितु स्त्री वर्ग के सहयोग से ही संपन्न होता है, इसलिए स्त्री वर्ग का सम्मान किया जाना चाहिए, यानी माँ को सम्मान दिया जाना चाहिए। किसानों के धरने के लिए जागरूकता अभियान के तहत गाँव का दौरा। शनिवार को भारतीय किसान नौजवान यूनियन की टीम ने तुरकपुर, मंडोरा, नाहरा, हलालपुर व गोरठ गांवों का दौरा किया व 13 मई को जिला सचिवालय सोनीपत के सामने धरने में ज्यादा किसानों को शामिल होने का आह्वान किया। किसान नेता विजेंद्र दहिया ने कहा कि इस वर्ष किसानों की गेहूं की पैदावार बहुत कम हुई है, इसलिए किसानों को गेहूं पर बोनस दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रति एकड़ लगभग 15,000 रुपये का नुकसान हुआ है। देशपाल दहिया ने कहा कि बिजली के कटों से किसान बहुत परेशान हैं। किसानों को दिन में लगातार 8 घंटे बिना कट के बिजली सप्लाई दी जाए। विजेंद्र मंडोरा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा में पारित भूमि अधिग्रहण कानून रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कई किसान विरोधी प्रावधान हैं जिनके माध्यम से सरकार किसानों की जमीन छीनकर कंपनियों को सौंपना चाहती है। समुद्र तोमर ने कहा कि आगजनी से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए। बुद्धराम सिंह ने बताया कि 13 मई को किसान सुबह 10 बजे छोटूराम धर्मशाला में इकट्ठे होंगे और वहां से DC ऑफिस तक मार्च करेंगे व वहां पर धरना देंगे। धर्मवीर दहिया ने बताया कि जो नया रोड नई दिल्ली से बड़वासनी तक निकाला जा रहा है, उस रोड में सभी गाँव की नहरी मोरी के लिए पुलिया बनाई जानी चाहिए, जिससे किसानों को सिंचाई में किसी भी तरह की समस्या ना आए। इस मौके पर अभिमन्यु कुहार ने संगठन को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि किसानों का भला मजबूत आंदोलन से होगा और उसके लिए ज़रूरी है गांव-गांव में कमेटी बनाई जाए, जिससे किसान अधिक से अधिक जागरूक हो सके। हरियाणा पंचायत इलेक्शन। हरियाणा में कब हो सकते हैं पंचायत चुनाव, राज्य चुनाव आयुक्त ने दी जानकारी। उन्होंने बताया कि फिलहाल हरियाणा के पास कुल 78,000 EVM मशीनें मौजूद हैं, जो कि प्रदेश भर में पंचायत चुनाव करवाने के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार न सिर्फ चुनाव पंचायत चुनावों बल्कि नगर पालिका और परिषद चुनाव को लेकर भी तैयारी कर रही है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ होने के बाद हरियाणा सरकार चुनाव को लेकर तैयारी में लग गई है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव की तारीखों पर जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में मतदाता सूची संशोधन के लिए 2 महीने का समय लगेगा। इस हिसाब से हरियाणा में पंचायत चुनाव जुलाई तक होने की संभावना है। प्रदेश में जल्द ही होंगी पंचायत, धनपत सिंह। हाईकोर्ट द्वारा जैसे ही हरियाणा पंचायती राज चुनाव पर लगी रोक को हटाने का निर्णय सुनाया गया, वैसे ही हरियाणा सरकार ने जल्द ही चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि चुनाव में कितना समय लगेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल हरियाणा के पास कुल 78,000 ईवीएम मशीनें मौजूद हैं, जो कि प्रदेश भर में पंचायत चुनाव करवाने के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार न सिर्फ पंचायत चुनाव बल्कि नगरपालिका और परिषद चुनाव को लेकर भी तैयारी कर रही है। जैसे ही निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की ओर से कोई फैसला आता है, वैसे ही सरकार निकाय चुनाव करवाने को लेकर तैयारियां शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट से मंजूरी मिलने के 1 महीने के अंदर निकाय चुनाव करवा दिए जाएंगे। पिछले साल फरवरी में खत्म हो चुका पंचायतों का कार्यकाल। हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल फरवरी में ही खत्म हो चुका है। इसके बावजूद प्रदेश में अब तक चुनाव नहीं हो पाए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर बनाए गए नियमों में हरियाणा सरकार द्वारा कुछ बदलाव किए गए थे। दरअसल हरियाणा सरकार ने पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए और 8% आरक्षण ओबीसी को देने की बात कही थी। सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में 1 दर्जन से अधिक याचिकाएं दायर हुई थी, इसलिए हाईकोर्ट ने नए नियमों के साथ पंचायत चुनाव करने पर रोक लगा दी थी। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के ट्यूलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। बिरला इंटरनेशनल स्कूल डांस एकेडमी व स्पोर्ट्स एकेडमी, आर्चरी, बॉक्सिंग, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।